जी एस हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिले एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं, हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए इकराम, हुफाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा हुफाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तहफ्फुज़ दीन मीडिया में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। हमारे खुसूसी शो प्राइम टाइम में मैं हूँ आपका दोस्त अबरारुल हक। नाज़रीन, कांग्रेस ने बीजेपी से 2.5 गुना ज़्यादा सीट हासिल करके उसे धूल चटा दी है। हिंदुस्तान की सबसे कदीम सियासी जमात ने अमित शाह समेत सारी दुनिया को ये बता दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत का ख्वाब अभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के लिए आमतौर पर बीजेपी की खामियों और उसके खिलाफ अवामी गम और गुस्से को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कमल वाले इस कदर बदतमीज़ और बदनवान न होते तो उसे हराना इतना आसान नहीं होता, लेकिन दुश्मन की खामियों का फ़ायदा उठाने के लिए भी दाखली मजबूती दरकार होती है। इसका फुकदान हो तो कमज़ोर से कमज़ोर दुश्मन भी बआसानी गालिब हो जाता है। इसलिए ये जायज़ा लेना ज़रूरी है कि कांग्रेस की मौजूदा क़ुव्वत का सर चश्मा क्या है, एक मुर्दा सियासी जमात के अंदर ये हौसला और उमंग कैसे पैदा हो गया, वो कौन से अवामिल हैं जिन्होंने उसे नाकामी के खंडर से निकाल कर काबिल तस्खीर बना दिया। इन वजूहात पर गौर किए बगैर कर्नाटक इलेक्शन का तज्जिया मुकम्मल नहीं हो सकता। नाज़रीन, कांग्रेस पार्टी ने इस बार एक सीसा पिलाई हुई दीवार के मानिंद मुकाबला किया और यही इसकी कामयाबी का अव्वलीन राज है। यह हुसन इत्तेफाक है कि पिछले साल अपने आप को जमहूरियत नवाज कहलाने वाली पार्टी ने सदर JP नड्डा की मुद्दत कार बगैर किसी इलेक्शन की बढ़ा दी। मोदी जी ने कहा और अमित शाह ने उसको नाफिज कर दिया। इस तरह बिला मुकाबला नड्डा जी का तकर्रुर हो गया। फिलहाल किसकी मजाल है कि मोटा भाई और छोटा भाई के खिलाफ कुछ बोलना तो दूर सोच भी सके। उसके बरक्स मौरूसियत नवाज कांग्रेस पार्टी के अंदर इलेक्शन हुए, उसमें नेहरू गांधी ख़ानदान का कोई फर्द उम्मीदवार नहीं था। आखिर तक शशि थराड और मलिक अर्जुन खड़गे मैदान में रहे। पार्टी के अरकान की राय से बुज़ुर्ग दलित रहनुमा सदर बनाए गए और उन्होंने साबित किया कि नड्डा की मानिंद वो कठपुतली सदर नहीं है। इस तब्दीली के असरात फौरन नहीं दिखाई दिए, लेकिन जब खड़गे के आबाई सूबे कर्नाटक का इंतखाब आया तो सबको पता चल गया कि ये इकदाम किस कदर अहमियत का हामिल था। कर्नाटक में तकर्रुर करने के सबब राहुल गांधी की पार्लिमानी नशिस्त कर्नाटक में जब उन्होंने तकरीर की थी तो राहुल गांधी की पार्लिमानी नशिस्त छीन ली गई, मगर रियासत के अवामिल ने उसका बदला लेते महाशय के गाल पर ऐसा तमाचा मारा कि उसके 14 तबक रोशन हो गए। नाज़रीन, कांग्रेस ने उस इलेक्शन में BJP को उसके अपने लब लहजे में जवाब देना सीख लिया है। BJP के बदजुबानी पर कांग्रेसियों का रोते बिलखते इलेक्शन कमीशन में जाकर शिकायत दर्ज कराना आम बात थी। पहली बार कमल वाले बार बार इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर गुहार लगाते नज़र आए। मलिक अर्जुन खड़गे ने जब वज़ीर आज़म को जहरीला सांप कहा तो पार्टी वालों के तन बदन में आग लग गई। इस जहर का असर अभी उतरा भी नहीं था कि उनके बेटे प्रियांक ने मोदी जी को कौम का नालायक बेटा कहकर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ऐसे बेटे से क्या फ़ायदा जो घर नहीं चला पाता। इसी तरह 2014 के बाद कांग्रेस पहली बार इस तरह हमला आवर हुई और नतीजतन वज़ीर आज़म को गालियों की गिनती का हिसाब पेश करके हमदर्दी बटोरनी पड़ी। 9 सालों तक मरकज़ में हुकूमत करने के बाद अगर किसी वज़ीर आज़म पर ये वक्त आ जाए वो अपनी कारकर्दगी के बजाय हमदर्दी पर वोट मांगे तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। मोदी जी की इस हिकमत अमली ने प्रियांक खड़गे के इल्ज़ाम की तौसीक कर दी और BJP के गाली गलौज पर राहुल गांधी ने भी नसीहत की कि खड़गे उम्र दराज रहनुमा हैं, उनसे मुतालिक तमीज़ से बात की जानी चाहिए। नाज़रीन, कर्नाटक इलेक्शन ने यह पैगाम भी दिया है कि कांग्रेस के कछार में राहुल गांधी के अलावा कई टाइगर मसलन साबिक वज़ीर आला सिद्दरमैया पार्टी के सूबाई सदर शिव कुमार भी मौजूद हैं और इन सब का सरबरा मलिक अर्जुन खड़गे हैं। इन सब ने एक दूसरे का हाथ थाम कर शाना बशाना इंतखाब लड़ा, जबकि अपोजिशन के मकामी रहनुमा एक दूसरे पर भोंकते और भंभोड़ते रहे। इस अंदरूनी लड़ाई के सबब उनमें से कुछ लोगों ने कमल फेंक कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पहले जब उनका एक आदमी टूटता था तो मुखालिफ कैंप के
5 लोगों को तोड़कर उसकी तशहीर करते थे, लेकिन इस बार ये मुमकिन नहीं हो सका। ये मामला अफराद से आगे बढ़कर तबकात तक के फैल गया। प्रधान सेवक ने जिस तरह मजहब का इस्तेहसाल किया, उसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ गई। पहले तो बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर जो तौहीन की गई, उसका इंतकाम बजरंग बली के भक्तों ने ले लिया। मोटा भाई ने राय दहिंदगान से अपील की थी कि बजरंग बली का नारा लगाकर कमल पर मोहर लगाएं। अवाम ने तो इस दरख्वास्त को ठुकरा दिया, मगर प्रियंका गांधी ने इंतखाबी नतीजे के बाद बजरंग बली का नारा लगाकर उनका दिल जीत लिया। वज़ीर आज़म को जब जहरीला सांप कहा गया तो उन्हें जोर देकर कहा कि वो शंकर के गले में लटका जहरीला नाग है, लेकिन लोग उनके बहकावे में नहीं आए। मोटा भाई ने बेंगलुरु के अंदर में 8 किलोमीटर तवील रोड शो किया, लेकिन उसके लिए किए जाने वाले बंदोबस्त से सारे लोग परेशान हो गए और उनकी हालत खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा बारह आने वाली हो गई। एक RTI में इंकशाफ हुआ है कि हालिया दिनों में मोटा भाई के दौरों पर 150 करोड़ रुपये की खतीर रकम खर्च हुई है, मगर नतीजा टाटा फिश है। अगर यही रकम आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होती तो शायद कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा होता था। नाजरीन, कर्नाटक में बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबहानअल्लाह ने भी बड़ी ज़ोरदार मुहिम चलाई है। उनकी फसादात वाली धमकी को मणिपुर के फसाद ने बेअसर कर दिया। मुस्लिम रिजर्वेशन को छीन कर लंगायत के दरमियान तकसीम करके उन्हें आवाम को झांसा देने की जो कोशिश की थी, मगर लोग उनकी कोशिश में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए और उनकी शिकायत की कि लोग जलसों में नहीं आ रहे हैं, दुरुस्त साबित हुई है। ये जो उनकी शिकायत थी वो बिल्कुल सही साबित हुई और आवाम वोट देने के लिए भी नहीं आए। कर्नाटक के इंतखाब में ब्रांड मोदी पर ब्रांड राहुल गालिब आ गया और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के इस सोशल ऑडिट ने साबित कर दिया है कि अब नफरत बाज़ार से लोग परेशान हो चुके हैं और मोहब्बत के ख़रीदार बन गए हैं। मोटा भाई को अंदाज़ा हो गया था कि जनूबी रियासतों का ये दरवाज़ा अब बंद हुआ चाहता है, इसलिए उन्होंने घबरा कर केरला स्टोरी जैसी घटिया फिल्म का सहारा भी लिया, लेकिन वो कोशिश भी पिट गई। कर्नाटक की नंदी ने गुजरात के अमूल को चारों खाने चित कर दिया। इस इंतखाबी मुहिम की एक ख़ास बात यह भी थी कि पहले लोग दूसरों के जलसों में मोदी मोदी के नारे लगाते थे, मगर इस बार वज़ीर आज़म के रोड शो में राहुल जिंदाबाद और कांग्रेस की जय के नारे लग रहे थे। इसके बावजूद मुन्ना भाई के मानिंद वज़ीर आज़म लगे रहे और कर्नाटक में मोटा भाई आवाम से हमदर्दी बटोरने में तो नाकाम रहे, मगर टीपू सुल्तान के मुकाबले बजरंग बली की इस नाकामी के बाद हम जैसे लोगों को भी मोदी जी पर रहम आने लग गया है। खैर नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।